वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक विभिन्न प्रयासों के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है। पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवादी संगठनों ने मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हथियार डाले हैं और मुख्य धारा के जीवन में वापसी की है। इसी कड़ी में त्रिपुरा सरकार तथा राज्य के दो उग्रवादी समूहों ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा को समाप्त करना और शांति लाना है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा की उपस्थिति में यह समझौता किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र खासकर आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और पहचान को संरक्षित रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूर्वोत्तर और दिल्ली के बीच की खाई को पाटकर उन्हें सड़क, रेलवे और उड़ानों के जरिए जोड़ा है, बल्कि दिलों के बीच की दूरी को भी पाटा है। उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही शांति और प्रगति की दिशा में त्रिपुरा की यात्रा में एक नया मील का पत्थर स्थापित हो गया है। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार में समझौता सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि दिल की भावना है और हमने इसे जमीनी स्तर पर प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह शांति समझौता नॉर्थ ब्लॉक में किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में अपना भरोसा जताते हुए NLFT और ATTF ने 35 साल पुराने संघर्ष को समाप्त करने और मुख्यधारा में लौटने, हिंसा छोड़ने और समृद्ध एवं विकसित त्रिपुरा के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने पर सहमति दे दी है। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्यधारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का यह समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मले, सुरक्षा बल मले या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे, वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है कि सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में
कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और NLFT के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगे। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अंद्रेश था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में NLFT-SD समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, DNLA शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF शांति समझौता 23 में हुआ और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था, अब सपा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सपा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर, मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं इस समझौते को अक्षर स लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे। फिर से एक बार NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।